हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सब? होप सब कुछ ठीक है और सब कुछ सही है। तो हम लोग ऐसे घूम रहे थे यहाँ वहाँ, तो कुछ दृश्य ऐसा था जो कि हमें लगा इसको कैप्चर करना चाहिए और आप सबको दिखाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। जय श्री राम। तो हमें भी पता नहीं कि आगे क्या है और कैसा है, तो चलिए लेट्स गो। और ये रहा एक बहुत ही पुराना टनल जो कि 1903 को बनी है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। और आगे की व्यू, ये रहा पहाड़ और ग्रीनरी एवरीवेयर, चारों ओर हरियाली। तो आगे देखते, ये रहा एक ब्रिज, बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज है। तो यहाँ से हम चलते हैं ब्रिज की ओर, ब्रिज के उस पार आई मीन, देखते हैं। और ये हरियाली चारों ओर, बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा रहा वैसे, तो हमें नहीं पता था कि हम यहाँ आएंगे। तो चलते हैं आगे। वैसे ब्रिज काफ़ी ऊंचा है, हम कोशिश करेंगे कि नीचे अगर कोई रास्ता हमें मिल गया तो नीचे जाए और नीचे से आपको दिखाएं। तो ऊपर से हम कोशिश करते, बहुत ही नीचे है, हम कैमरा भी नहीं कर सकते नीचे। तो देखिए आप पहाड़ चारों ओर, तो ये देखिए। तो हम आ गए इसके नीचे, तो हमें रास्ता मिल गया था। और ये देखिए छोटा सा एक, इसको आप तालाब कह सकते हैं या कुआं कह सकते हैं या फिर आप इसको रिवर नाइल भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप इसको समंदर बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि ये समंदर है नहीं। तो देखिए ऊपर ब्रिज, तो यहाँ लोग कैसे चल रहे हैं देखिए। तो हमने ये वीडियोस, ये क्लिप बिल्कुल मोबाइल से लिए। तो आप जब क्लिप या वीडियोस मोबाइल से लेते हो तो बहुत शेकी होता है वीडियो, बहुत हिलता है। तो ये रहा हमारा देसी जुगाड़। देखिए हिंदुस्तान पे आप कहीं भी कोने पे जाओ, ये हमारा देसी जुगाड़ या फिर हमारी तकनीक आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। प्लास्टिक का रीयूज़ करना, बोतल का रीयूज़ कैसे करते हैं देख लीजिए आप, ये बहुत ही बढ़िया दृश्य। तो एक ये छोटा सा स्कूल है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे, तो मैंने इसका क्लिप भी ले लिया। और मैं कह रहा था कि वीडियो शेक की होती है और स्टेबल नहीं होती है, तो आपको एक चाहिए होता है ट्राईपॉड। ट्राईपॉड का मैं एक अनबॉक्सिंग करूँगा जो कि मैंने ख़रीदा है, तो आप उसका अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। और उससे वीडियो आपका स्टेबल रहता है और ज़्यादा शेकी नहीं होता है, वरना आप देख सकते हो कि अगर मोबाइल से क्लिक करते हो तो बहुत ही शेकी होता है। तो चलिए हमारा अनबॉक्सिंग की तरफ हम चलते हैं। तो ये रहा हमारा गोरिल्ला ट्राईपॉड का पैकिंग। तो पैकिंग तो काफ़ी ठीक है, सही है, कुछ स्क्रैच वगैरह नहीं है। तो हम इसको देख के हम इसका रेटिंग वगैरह भी देंगे कि इसका लुक कैसा, ओवरऑल लुक पे इसका रेटिंग देंगे। तो ये रहा गोरिल्ला मोबाइल स्टैंड ट्राईपॉड जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, और जो 10 इंच का है और इसका टोटल अमाउंट है 375 रुपीज़ ओनली। तो आप इसके मदद से आप काफ़ी अच्छा एक सिनेमैटिक लुक दे सकते हो अपनी वीडियो के ऊपर। तो चलिए इसको खोलते हैं हम, तो इसको काटते हैं कैंची से। वैसे आप फाड़ भी सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखते हैं अंदर पैकिंग कैसा होगा। आओ, वैसे मुझे लगा था कि इसका पैकिंग एक बॉक्स पे होगा, लेकिन एक इसका पैकिंग, मुझे अंदर का पैकिंग इतना सही नहीं। तो हम फिर काटते इसको कैंची से, तो मुझे लगा एक बॉक्स पे होगा ट्राईपॉड, बट कोई बात नहीं, सही है फिर भी। तो ऐसे खुलते हैं, तो ओके। तो ये रहा हमारा ट्राईपॉड जो कि दिखने में तो काफ़ी अच्छा है और इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम इसको बाहर निकालते हैं, इसको इसके प्लास्टिक से, इसके कवर से। तो इसे खोलने में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे आंखें कैमरा की ओर है और मेरे हाथ इसको खोलने में लगा है। तो दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है ये। और इसके साथ ये जो मोबाइल होल्डर, आपके फ़ोन को होल्ड करने के लिए, ये अच्छी स्ट्रेच है इसकी, काफ़ी बड़े से बड़ी मोबाइल आ जाएगी आपकी इसके अंदर, इसके लपेट में। तो हम इसको मोबाइल से अटैच करके देखते हैं। मोबाइल भी काफ़ी पुराना हो चुका है, बहुत ही पुराना फ़ोन है, तो अटैच अच्छा से हो गया है, देख सकते हैं। और यह हम इसको लगा के देखते हैं। वैसे आपको
ये गोरिल्ला ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग बहुत ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपको अनबॉक्सिंग अच्छा नहीं लग रहा है तो आप स्किप करके कहीं और जाके आप देख सकते हो, ताकि वो आप अच्छे से देख सको और भी और जान सको इसके बारे में। तो मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ ऐसे पहले, तो बहुत ही अच्छा एक लुक देता है आपकी वीडियो को, ज़्यादा शेकी नहीं होती है वीडियो, तो काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इसको अच्छे से अटैच कर लिया है, अटैच कर लिया इस ट्राइपॉड के साथ मोबाइल होल्डर को। आप मोबाइल लगा के देखते हैं अच्छे से तो आप देख सकते हैं। तो आप भी खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से लिए मैंने, तो 395 इसका प्राइस। तो प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज तो होता ही रहता है। तो रेटिंग की बात करते हैं, मैं इसको दूंगा 8 या फिर 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि इसकी पैकिंग मुझे इतनी खास नहीं लगी। तो आप ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आ गए हम अनबॉक्सिंग के अंत पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अभी के लिए बाय बाय।